माइटोकॉन्ड्रिया बायोलॉजी। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज पुट फॉरवर्ड बाय डेनियल डेब्सन, गार्नर एलॉर्ड, सिंगर निकोलसन, वाटसन क्रिक। राइट आंसर इज द सिंगर निकोलसन। राइट आंसर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिन और क्वेश्चन कौन से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ ऑप्शन ए प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन बी प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, ऑप्शन सी प्रोटीन लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन डी प्रोटीन्स सम न्यूक्लिक एसिड्स एंड लिपिड्स। सो राइट आंसर इज द प्रोटीन लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी। कारण मेम्ब्रेन रोमर मेम्ब्रेन रे जो लिपिड बेयर है प्रोटीन भी थाए, इंटीग्रेटेड प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन, लिपिड्स तो थाए, लिपिड्स थाए और कार्बोहाइड्रेट आउटसाइड रे थाए, कार्बोसाइड आउटसाइड रे थाए। ओके, नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोजाइक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोस्ट ऑफ ऑप्शन ए फॉस्फोलिपिड्स एंड ऑलिगोसैकेराइड्स, ऑप्शन बी फॉस्फोलिपिड्स एंड हेमिसेलुलोज, ऑप्शन सी फॉस्फोलिपिड्स एंड इंटीग्रल प्रोटीन, ऑप्शन डी फॉस्फोलिपिड्स एक्सट्रिंसिक प्रोटीन एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, फॉस्फोलिपिड्स। मेजरली हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन मिले, मोस्ट ऑफ कॉमन कंपोनेंट दैट इज फॉस्फोलिपिड्स, देन एक्सट्रिंसिक प्रोटीन एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन। नेक्स्ट, फोर्थ नो क्वेश्चन, लिपिड रैप्स आर, माने कोई क्वेश्चन कौन पूछे, लिपिड रैप्स कौन, मेम्ब्रेन जो लिपिड रैप्स थे तार कंपोजिशन कौन, फॉस्फेटिडिल सेरिन, फॉस्फेटिडिल इनोसिटोल, ऑप्शन बी कोलेस्टेरॉल कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन सी ग्लिसरीन एंड कोलेस्टेरॉल, ऑप्शन डी स्पिग्मोलिपिड्स एंड कोलेस्टेरॉल। तो राइट आंसर इज स्पिग्मोलिपिड्स एंड कोलेस्टेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ऑर्गेनेल्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सेल होमोजेनेट थ्रो, आम सेल को फर्स्ट होमोजेनेट करियो, से थ्रू ऑर्गेनेल को सेपरेट करियो, को मेथड रे करियो, ऑप्शन ए क्रोमाटोग्राफी, एक्सरे डिफ्रैक्शन, डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूजेशन, ऑटो रेडियोग्राफी। तो राइट आंसर इज द डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूजेशन, ऑप्शन सी। सिक्स नंबर क्वेश्चन, द प्राइमरी थर्मोडायनामिक फैक्टर दैट फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ए लिपिड बायलेयर इन एक्वेस सराउंडिंग, क्वेश्चन बुझा, एक्वेस सराउंडिंग रो लिप को थर्मोडायनामिक फैक्टर हमको रेस्पोंसिबल जे कि फॉर्मेशन करे कौन, लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन। सो एक्वेस मीडियम रे लिपिड बायलेयर फॉर्मेशन करे हेल्प करके हाइड्रोफोबिक फोर्स, हाइड्रोफोबिक। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉस्फेटिडिल सेरिन इज लोकेटेड इन, ऑप्शन ए द आउटर लिपलेट, ऑप्शन बी बोथ लिपलेट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी मिडिल ऑफ द बायलेयर, ऑप्शन डी द इनर लिपलेट बट फ्लिप फ्लॉप्स टू आउटर लिपलेट अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। तो बुझियो, द राइट आंसर इज द इनर लिपलेट्स, इज द मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। This is lipid bilayer. This is the exterior side. This is the interior side. Cytosolic phase. तो cytosolic जो कह जाए तो कह जाए इनर लिपलेट और बाहर जो है आउटर लिपलेट। सो फॉस्फेटिडिल सेरिन कौट मिले, इनर लिपलेट, इनर लिपलेट रे हमरो फॉस्फेटिडिल सेरिन मिल। ओके, एंड फ्लिप फ्लॉप्स मीन्स है फ्लिप है जो मूव कर जो आउटर लिपलेट को सम स्पेसिफिक कंडीशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ माइलिन सीथ सराउंडिंग नर्व सेल इज, क्वेश्चन बहुत
पचार देख जे नर्व सेल माइलिन सीथ जो माइलिन नर्व फाइबर्स माइलिन सीथ रे कौ फॉस्फोलिपिड मिले मोस्ट कॉमन फॉस्फोलिपिड कौन ऑप्शन ए फॉस्फेटिडिल सेरिन ऑप्शन बी फॉस्फेटिडिल कोलाइन ऑप्शन सी फॉस्फेटिडिल इनोसेटल ऑप्शन डी स्पिग्मोमाइलिन तो राइट आंसर द स्पिग्मोमाइलिन तो आप इजिली जापर माइलिन माइलिन स्पिग्मोमाइलिन नेक्स्ट When bacteria growing at 20 degree centigrade are warmed at 37 degree centigrade, they are more likely to synthesize membrane lipids with more. Question कौन पूछे? ना गोटे bacteria जेते बेले 20 degree centigrade ग्रो करतला बर्तन ताको 37 degree centigrade ग्रो करेबे तो बर्तन ता पाखरे जो lipids molecule synthesis हो कौन आसीओ short chain saturated fatty acid short chain unsaturated fatty acids लॉन्ग चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स लॉन्ग चेन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स तो राइट आंसर इज द लॉन्ग चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स द मीनिंग हेला जते टेम्परेचर बढ़ियो माने टीएम वैल्यू इंक्रीज करियो टीएम वैल्यू इंक्रीज करियो तो टीएम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अनसैचुरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अनसैचुरेशन तो टीएम वैल्यू बढ़िले अनसैचुरेशन कमिबो तो टेम्परेचर बढ़े तो अनसेचुरेसन तो कौन आस लॉन्ग चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड तो राइट आंसर इज द लॉन्ग चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन द मेन फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर मेम्ब्रेन्स रीसिलिंग ऑफ रप्चर्ड बायो मेम्ब्रेन इन एक्वस एनवायरमेंट एक्वस एनवायरमेंट रे जदि सपोज मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए तो रीसिल कर किए हेल्प कर ए हाइड्रोफोबिक फोर्स बिटवीन मेम्ब्रेन लिपिड्स बी कोवेलेंट फोर्स बिटवीन मेम्ब्रेन लिपिड्स सी फोर्स बिटवीन प्रोटीन एंड लिपिड्स डी आयोनिक इंटरेक्शन तो राइट आंसर इज द ए हाइड्रोफोबिक फोर्स बिटवीन मेम्ब्रेन लिपिड्स सो ए सब दसटा मोर थी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आम नेक्स्ट क्वेश्चन भी आउरी प्लाजम आनबा सो थैंक यू फॉर वाचिंग जदि वीडियो भल लगी चैनल को सब्सक्राइब करूँ थैंक यू